क्या आप लोग कोई मेटा ऑनलाइन टाइपिंग का काम करके, डाटा एंट्री का काम करके डेली के 1200 से 1500 रुपए तक कमाने हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए। मैं आप लोग गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग काफी अच्छे पैसे भी कमाने लग जाओगे। आज जो मैं आप लोग के लिए वेबसाइट लेकर काफी ज्यादा भाई रियल जेन्युइन वेबसाइट है, काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है वी वर्क रिमोटली। यहाँ पे ना आप लोग टाइपिंग का काम कर सकते हो, डाटा एंट्री का काम कर सकते हो, काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। हमारी टीम के बंदे भी यहाँ पे काम करके काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित। आज के इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऑनलाइन टाइपिंग का काम करके, ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम करके, आपको कोई भी काम आता है वो सारे काम करके आप लोग काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। देखो इस वेबसाइट की खासियत क्या है, काफी ज्यादा फेमस वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है। इसके विजिटर्स 4.5 मिलियन है। इस वेबसाइट के जो विजिटर्स है ना 4.5 मिलियन से ज्यादा है, काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट और काफी फेमस भी है। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, काम मिला, काफी सही है सारा सिस्टम। मैं आप लोगों को सब बताऊंगा कि कैसे पैसे को आपको विड्रॉल करना है, कैसे पैसे कमाने हैं और कैसे आप लोगों को सीधा बैंक अकाउंट या पेपाल में पैसा लेना है, सब कुछ A to Z बताऊंगा। अगर आपको स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग पर्सनैलिटी हो, आपको ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने पर आपको कोई काम नहीं आता कि भाई क्या काम करे, कैसे काम करे, कैसे पैसे कमाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को काम करके भी दिखाऊंगा कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे पैसे कमाने, कैसे पैसे विड्रॉल लेने हैं। अब बहुत बंदे ना अप्लाई करते टाइम रिज्यूम नहीं बना पाते अच्छे से, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कैसे रिज्यूम बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों को काम मिलेगा, सब कुछ A to Z। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन टाइपिंग का काम करके, डाटा एंट्री का काम करके पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। जो लोग अपने फोन से कर रहे हैं ना वो लोग अपना क्रोम ऐप खोलो। मैं लैपटॉप इसे समझाऊं, लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, आप लोग बड़ा दिखा चाहिए समझ जाए। तो चलते अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पर आकर आज जो मैं आप लोग के लिए वेबसाइट लेकर ना काफी ज्यादा भाई रियल वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग काम करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। वेबसाइट का नाम है वी वर्क रिमोटली। वी वर्क रिमोटली देखो पहली वाली वेबसाइट है www.vworkremotely.com, ठीक है। बी वर्क रिमोटली, रिमोट जॉब इन डिजाइन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आप लोग रिमोट जॉब करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। रिमोट जॉब मतलब वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के काम कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको कैसे क्या करना है। काफी ज्यादा बड़ी वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, इस वेबसाइट पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज का भरोसा है। देखो अमेजोन, गूगल, यहाँ पे गिटहब, ये काफी बड़ी बड़ी कंपनी है देश दुनिया की। तो इन सबका भरोसा आप लोग सोच लो कितनी बड़ी कंपनी होगी, जेन्युइन कंपनी होगी, है ना। और वी आर होम टू लार्जेस्ट रिमोट वर्क कम्युनिटी, ये ना काफी बड़ी रिमोट वर्क की कम्युनिटी है जिनका 4.5 मिलियन से ज्यादा के विजिटर्स। आप लोग सोच लो कितनी बड़ी कंपनी होगी, जनरल कंपनी होगी। यहाँ पे ना आपको 100% काम मिल जाएगा। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने भी यहाँ पे अप्लाई किया, उन लोगों को भी काम मिल गया, ठीक है। पर मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे करने, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे हमें होम स्क्रीन पे आ जाना, होम स्क्रीन पे आकर हमें जाना जॉब सीकर्स पे, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एडवांस जॉब सर्च और टॉप ट्रेंडिंग रिमोट जॉब, ठीक है। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडवांस जॉब सर्च पे, ठीक है। यहाँ पे आने का देखो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। जैसे मानो हमें करना है डेटा एंट्री का वर्क, हम लिख देते हैं डेटा एंट्री वर्क, मैं सर्च करूंगा तो देखो डेटा एंट्री का काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली बस डेटा एंट्री वर्क नहीं, डेटा एंट्री लिखता हूँ, 1 मिनट तो आ जाएगा। अगर कोई काम अवेलेबल होगा तो है अवेलेबल। देखो डाटा एंट्री असिस्टेंट का वर्क है, ठीक है, फुल टाइम है यूएसए में। तो ये काम तो अभी हम कर सकते हैं, तो ये भी रहने देंगे। वैसे देखो वर्क फ्रॉम होम भी रहता है काफी सारे, ठीक है। तो हमें क्या करना, वापस से आने जॉब सीकर पे, यहाँ पे हमें चले आने टॉप ट्रेंडिंग रिमोट जॉब्स पे, ठीक है। यहाँ पे जानकर हम नीचे जाएंगे तो देखो कितने सारे रिमोट जॉब अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे जैसे मानो हमें कुछ भी करना है, तो हमें जैसे मानो कंटेंट राइटर का काम करना है, एनीवे इन दी वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में बैठे हम काम कर सकते हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। जैसे हमें मानो और भी कोई काम करना है हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमें कॉन्टेंट राइटिंग मतलब बेसिकली टाइपिंग का काम करना है, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखो रिमोट कॉन्टेंट राइटर है, ठीक है। पोस्ट कब हुआ, 9 जून को पोस्ट हुआ है, ठीक है। इसका देखो एक ग्रूव नाम का है, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, सर्च करते हैं हम लोग सर्च, तो देखो 1 मिनट, तो यहाँ पे तो अभी आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो रिमोट कॉन्टेंट राइटर है, ठीक है। इसका देखो क्या है, टॉप रेटेड हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर ग्रुप इज लुकिंग फॉर अ कॉन्टेंट राइटर टू ज्वाइन आवर स्मॉल बट ग्रोइंग टीम, ठीक है। टॉप रेटेड हेल्प डेस्क का सॉफ्टवेयर, ठीक है, ग्रुप ने एक सॉफ्टवेयर है हेल्प डेस्क के लिए, ठीक है, जो कॉन्टेंट
कंटेंट राइटर्स को ढूंढ रहे हैं, तो आप इनके स्मॉल टीम को ज्वाइन करो और काम करो, ठीक है। इनको कंटेंट राइटर्स की जरूरत है, यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या, मतलब क्या क्या काम है, देखो रिसर्च एंड राइट 2-3 वीकली ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। आपको हर वीक 2 से 3 ब्लॉग पोस्ट लिखना, आप लोग लिख दोगे जो एंगेजिंग होने चाहिए और काफी अच्छे होने चाहिए, जहाँ पे कन्वर्जन आए, ठीक है। इसके बाद के कैप्शन एडिट एडिट स्क्रीनशॉट नीडेड फॉर ईच ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। आप कैप्चर करो एडिट करो किसी भी स्क्रीनशॉट को जो ब्लॉग पोस्ट में नीड हो, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें, सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो आप बैकग्राउंड इन कस्टमर सर्विस, अगर आपका बैकग्राउंड है ना कस्टमर सर्विस में, तो एक बोनस है आप लोगों के लिए। और के कंटेंट राइटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पर एक बहुत ही जरूरी बात, ये लोग आपसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लेना। इसके बाद कन्वर्जन पे आपको फोकस करना है, बेसिक इमेज की एडिटिंग आनी चाहिए, कैनवास सबसे आप लोग कर सकते हो। इसके बाद बेसिक एसईओ की नॉलेज होनी चाहिए, ये भी होगी आपके पास। इसका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, इसका यही सब है बाकी चीजें। बेनिफिट क्या है, आपको 40-50 के USD सैलरी मिलेगा, ठीक है। फुल्ली रिमोट वर्क है और क्या फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी मेहनत करो भाई, मिल गया ना जिंदगी सवर जाएगी आप लोग की, ठीक है। और जैसे मैं आपको दिखाऊं, काफी बड़ी कंपनी, आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस पोजिशन पे जाना है, और आपको कैसे काम करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रुप कॉन्टेंट राइटर जॉब अप्लीकेशन, तो अभी अप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं भाई, बहुत सारे यहाँ पे जॉब है, आप लोग टेंशन क्यों लेते हो, बहुत लोग टेंशन में आ गए होंगे, कोई बात नहीं, बहुत जॉब है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग चलते हैं कंटेंट राइटर फ्रीलांस राइटर की जॉब है मानो, ठीक है। फ्रीलांस राइटर की जॉब में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप लोग ऐसे करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो मेल है, पर इसकी एक दिक्कत क्या है कि ये कहाँ पे यूएसए कनाडा में है, तो ये तो हमें करना नहीं है। बाकी काफी सारी जॉब है, प्रोफेशनल फ्रीलांस राइटर की भी जॉब है, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये प्रोफेशनल फ्रीलांस राइटर की भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज का, शायद इंडिया का भी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ अप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, $20-25 पर आवर की मिलेगी, तो काफी सही सैलरी है ना भाई। आप 1 घंटा काम करोगे तो $2 पर आपको 1 घंटे का काम पूरा करने में कम से कम पूरा दिन चला जाएगा, ठीक है। तो मानो पूरे दिन में आपने 1600-1700 रुपए भी कमा लिए, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो ये है, इधर जैसे अप्लाई फॉर दिस पोजिशन पे मैं जब भी जाऊंगा ना, तो थोड़ा सा लोडिंग होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना काफी सारी जॉब्स है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, टॉप ट्रेंडिंग जॉब्स में जाओ, आप आराम से ढूंढो, ये बहुत बड़ी कंपनी है। देखो ना 4.5 मिलियन के विजिटर्स, आप लोग तो सोच लो कितनी बड़ी कंपनी होगी। जैसे ये क्या अर्बन राइटर फ्रीलांस क्रिएटर्स, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करोगे और यहाँ पे डायरेक्ट देखो पेज खुल गया, तो देखो ये भी आप अप्लाई करो, जैसे इसको हटाता हूँ, ठीक है। इसके बाद इधर अप्लाई कर दो रिमोट फ्रीलांस क्रिएटिव पे, ठीक है। ये सैस की सॉफ्टवेयर एक और राइटर की इनको जरूरत है, यही है, ठीक है। अर्बन राइटर्स करके कंपनी अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया, तो अप्लाई नाउ हम लोग करते हैं। अप्लाई नाउ यहाँ पे कितना कमा सकते हैं, 150 न्यू फ्रीलांसर पर मंथ, मतलब ये इतने फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी पोजीशन सेलेक्ट करना है, हमें कौन सा काम आता है इन सब में से, तो हमें क्या कर दे, हम लोग कर देंगे ट्रांसलेशन राइटर, ट्रांसलेशन का काम कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या, ईमेल करो, तो इनको क्या ईमेल करना है, देखो आप लोग अपनी ईमेल पे जाओ, देखो आपको कैसे करना है, ईमेल अस पे जाओ तो डायरेक्ट ये लोग आपके मेल पे डायरेक्ट कर देंगे। क्या ईमेल करना है, आप लोग अपने ईमेल पे जाना, मैं आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो देखो आपको क्या मेल करना है, हम आ चुके अपने मेल पे, यहाँ पे हमें जाना है मेल पे, ठीक है। तो मेल पे हम कंपोज पे जाएंगे, हमें क्या मेल करना है, तो देखो सबसे पहले तो हमें इस वाली मेल पे मेल करना है, तो इस वाली मेल को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी हो जा भाई, तो कॉपी हो जा, एक मिनट, ये एफ कॉपी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एफ लिख देता हूँ, बाकी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट हो गया। इसका सब्जेक्ट में भी लिख देंगे, और क्या है, प्लीज गिव अस फॉलोइंग डिटेल विद इन दैट मेल, आर यू अप्लाइंग फॉर एन एडिटर राइटर पोजिशन, विच लैंग्वेज यू ट्रांसलेट फॉर, तो कौन सी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो और आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो राइटर की पोजिशन के, तो आप लोग लिख देना कि मैं राइटर की पोजिशन के अप्लाई कर रहा हूँ, पोजीशन क्या, ऐसे करके आप लिख देना, पोजीशन क्या आपकी, तो पोजीशन आपकी है क्या, पोजीशन क्या आपकी, फ्रीलांस राइटर, ठीक है। तो ट्रांसलेट, एक मिनट, क्या पोजीशन थी, एक बार देख लेते हैं वापस से, कुछ मिस्टेक ना हो, तो क्या पोजीशन है हमारी थी, ट्रांसलेशन राइटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसलेशन, एक मिनट, ट्रांसलेशन राइटर, ठीक है, ट्रांसलेशन राइटर मैंने लिख दिया। पोजीशन के बाद और क्या है, पोजीशन का कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, तो लैंग्वेज क्या हो गया, लैंग्वेज हम कर देंगे
इंग्लिश से फ्रेंच में, इंग्लिश टू फ्रेंच। और बहुत बंदे कहेंगे कि भाई हमें तो ट्रांसलेट करना नहीं आता, हम कैसे करें। मैं आपको सिखाऊंगा भी आज के वीडियो में, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देना फॉर अप्लाइंग जॉब, फॉर अप्लाइंग जॉब यहाँ पे करके आपको सेंड कर देना। और यहाँ पे एक सीवी भी अटैच करना। बहुत बंदे बोलेंगे कि भाई सीवी कैसे बना, तो सीवी आप लोग कैनवा की हेल्प से बना लो। तो हम लोग चलते अपने कैनवा पे, और कैनवा पे आकर देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे आप लोग को सीवी बनाना। देखो फ्री वाला कैनवा है, कोई पेड नहीं है। यहाँ पे हमें लिखना है रिज्यूम, तो रिज्यूम मैं लिखता हूँ। रिज्यूम लिखने का देखो यहाँ पे रिज्यूम के बहुत सारी चीजें आ गए, हमें नॉर्मली रिज्यूम वाले टेम्पलेट पे आ जाना है। इसका देखो काफी सारे रिज्यूम शो हो जाएंगे। जो फ्री वाले उस पर हमें क्लिक करना है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे हमें क्लिक करना है। इस रिज्यूम को ना हमें कस्टमाइज कर देना है। कस्टमाइज कैसे करना है देखो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ रिज्यूम को कैसे कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे अपनी फोटो चेंज कर लो, यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दो, यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल दो, यहाँ पे अपना प्रोफाइल, यहाँ पे जैसे मैं अपना नाम चेंज कर दो यहाँ पे अंकित, यहाँ पे भी नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ झा, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर की जगह कर देता हूँ। क्या कौन सी जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, एक मिनट सेंड पे चलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ट्रांसलेटर, ठीक है। और एक ना एज पॉइंट, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करो ना वही लिख देना कि भाई मैं वही हूँ। इससे ना थोड़ा एज पड़ता है, क्यों एक बंदा अगर ट्रांसलेटर को ढूंढ रहा है, यहाँ पे एक डाटा स्पेशलिस्ट मतलब मानो अप्लाई करेगा तो थोड़ा वर्ड कम जमेगा ना, पर कोई बंदा ट्रांसलेटर को ढूंढ रहा है वहां पे ट्रांसलेटर ही अप्लाई करेगा तो ज्यादा वर्ड जमेगा। समझो मेरी बात। तो आप लोग ऐसे करना है, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है ना अपने नाम के नीचे लिख देना कि मैं तो भाई यही हूँ, ये होने का। यहाँ पे अपने प्रोफाइल में लिख देना, ये सब चैट जीपीटी की हेल्प से निकाल लेना। इसका वर्क एक्सपीरियंस अपना डाल देना, इसका रेफरेंसेस डाल देना, और इसका इसको क्या करना फाइल पे जाके डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने का ना यहाँ पे जो आप मेल करोगे ना, मेल में ये भी अटैच करना अपना सीवी। अटैच करने का मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को काम कैसे करना है। मानो ना आपको एक आर्टिकल दे दिया, आपको मानो एक आर्टिकल दे दिया, आर्टिकल किस चीज पे दे दिया आपको, मानो दे दिया COVID-19 पे आर्टिकल, COVID-19 आर्टिकल, या कार्डियो वेस्कुलर डिजीजेस पे आर्टिकल, ठीक है। कार्डियो वेस्कुलर डिजीजेस, एक मिनट दिखाता हूँ, कोई अच्छा सा पहले आर्टिकल मिल जाए मुझे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। जैसे मानो हमें एक आर्टिकल मिल गया, ठीक है, मानो एक आर्टिकल मिल गया। अब मानो ना हमें इस पूरे को ना फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, हम लोग कैसे फ्रेंच में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मानो हमें पूरा आर्टिकल मिल गया, ठीक है, और हमें इसको पूरे को फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, हम लोग कैसे फ्रेंच में कन्वर्ट करेंगे। मानो एक इंग्लिश का आर्टिकल, उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करने का हमें काम मिला, नॉर्मली मैं जाऊंगा नोटपैड पे, नोटपैड पे वर्ड पे, आप कहीं भी चले जाओ जहां पे हम लोग इसको रख सके अपने कंटेंट को। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है क्या, गूगल ट्रांसलेटर का। बहुत बंदे कहेंगे अंकित भाई गूगल ट्रांसलेटर का तो कोई भी यूज कर सकते, इसके लिए ये लोग हमें क्यों हायर करेंगे। भाई मैं बताता हूँ ना गूगल ट्रांसलेटर को कैसे यूज करना, हर चीज का एक तरीका होता है। देखो इंग्लिश टू फ्रेंच पे चले जाना, मानो सबसे पहले ना इतने पोर्शन को मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, बाकी पोर्शन को आप लोग कर लेना, ठीक है। इतने पोर्शन को हमें कैसे करना है देखो मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पे पेस्ट करो तो देखो फ्रेंच में आ गया, ठीक है। फ्रेंच में आने के बाद आप इन लोगों को डायरेक्ट मत दो, देखो जैसे फ्रेंच में आ गया ना, अब फ्रेंच में आ गई ये पूरी चीज है। तो आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको यूज करना है पैरा फेसिंग टूल का, ठीक है। पैरा फेसिंग टूल, पैरा फेसिंग टूल ये वाला टूल है। यहाँ पे आपको इनको ना कॉपी पेस्ट करना है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। इस पूरे को वापिस से कॉपी करो, कॉपी करने का कट कर देता हूँ, कोई नहीं, कट करने का देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करने का इस पूरे को मैं पैराफेस कर देता हूँ। तो देखो पैराफेस हो रहा है, तो देखो पैराफेस हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, लोडिंग लेगा, हो जाएगा, तो वेट करते हैं हम लोग। अब देखो हो चुका है, ठीक है, ऑटोमेटिक इन लोगों ने डिटेक्ट कर लिया कि फ्रेंच लैंग्वेज हो चुका है, पैराफेस हो गया। अब बहुत बंदे कहेंगे कि भाई पैराफेस मतलब क्या होता है, देखो पैराफेस मतलब कुछ नहीं होता। जैसे देखो, जैसे माय नेम इज अंकित और अंकित इज माय नेम, ठीक है, इन दोनों लाइन का मतलब तो सेम ही है ना मोटा मोटी, मेरा नाम अंकित है, अंकित मेरा नाम है, पर देखो लाइन में कितना फर्क आ गया, माय नेम इज अंकित, अंकित इज माय नेम, यही होता है पैराफेस करना। ये दोनों चीज का मतलब एक ही है, पर पैराफेस कर दिया ना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा ना, जैसे दिखाता हूँ मैं इसको भी पैराफेस आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या होता है ना, गूगल पहचान ही नहीं पाता कि ये कोई चैट जीपीटी या गूगल ट्रांसलेटर ने इसको निकाला है। और जैसे माय नेम इज अंकित को मैं पैराफेस करूं अगर, तो देखो तो ये फ्रेंच में क्यों हो गया भाई, इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में जैसे मैंने इसको पैराफेस किया, तो इंग्लिश में मैं इसको पैराफेस करता हूँ, तो देखो पैराफेस हो जाएगा। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, तो देखो माय नेम इज अंकित, अभी हुआ नहीं, क्या दिक्कत हो रही है, जैसे बड़ी लाइन को पैराफेस करता है बेसिकली, तो ऐसे करके पैराफेस कर देगा। पैराफेस करने का देखो हमारे पास आर्टिकल आ गया जो हमने पैराफेस किया था, इसको मैं यहाँ पे, एक मिनट, पेस्ट नहीं हुआ क्या यार, पूरी में हमने गड़बड़ी कर दी, कोई बात नहीं। जैसे मैं कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, तो इन पूरे को आप पैराफेस करना, और जब पैराफेस करके मिल जाए तो
ये आर्टिकल आप दे देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका काम एक्सेप्ट हो जाएगा। हमारी टीम के बंदे भी ना यही सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे और काफी सही पैसे कमा रहे हैं। आप लोग भी इन चीजों को यूज करो, काफी सही पैसे कमा लोगे। अब 95% बंदे क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 95% बंदे अप्लाई कर देंगे, देखो अप्लाई कर देंगे, पर उन लोगों को ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों नहीं रिस्पॉन्स आएगा? क्योंकि एक सिंगल मेल से अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो पहले एक मेल से अप्लाई करो, अगर 24 से 72 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स ना आए ना, तो वापस से सेम मेल से वापस अप्लाई करना। अगर फिर भी रिस्पॉन्स ना आए तो आप क्या करना, एक दूसरा मेल लेना, उससे मतलब ना अप्लाई करना, तब भी रिस्पॉन्स ना आए तो दिखा दो आप लोग इनके सपोर्ट टीम पे चले जाना। वैसे कंपनी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, पर होता क्या ना, बहुत बंदों को दिक्कत आ जाती है। लोग अप्लाई करते हैं पर उनको ना उनके एंड से कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, तो वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना, यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट वाला पेज आपको मिल जाएगा नीचे, तो यहाँ पे इनका ना मेल वगैरह दिया होता है, तो यहाँ पे आप ढूंढोगे ना तो इनका कॉन्टेक्ट वाला पेज मिल जाएगा प्राइवेसी वगैरह पे, तो आप लोग इनका मेल वगैरह ढूंढना, उनको डायरेक्ट मेल कर देना। वैसे इसी मेल पे आप लोग करोगे ना मेल, तो आपको 101% मतलब ना रिस्पॉन्स मिल जाएगा। होता क्या, देखो 4.5 मिलियन बंदे इस वेबसाइट पे आते हैं, तो कितने बंदे मेल करते होंगे, तो कई बार होता क्या है ना, जब लक खराब होता है तो आप लोग का मेल पहुंच नहीं पाता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग कम से कम 5-7 दिन ट्राई करो यार, आपको काम मिल जाएगा। बहुत बंदे ना पहले दूसरे दिन ही गिव अप कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना, आपको ट्राई करते हैं ना। अब एक वेबसाइट है मानो राइटर बे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मतलब हजारों से ज्यादा बंदों ने अप्लाई किया, पर काम वही 5-7 बंदों को मिला, क्योंकि वो लोग लगे हुए थे, आप लोग लगे नहीं आते, आपको यहाँ पे काम नहीं मिला, फिर आप लोग क्या करते हो, बोलते हो फ्रॉड वेबसाइट, ऐसे नहीं करना। थोड़ा ट्राई तो करके देखो, ट्राई करोगे बाकी लोगों को भी तो काम मिल रहा है ना भाई, ये वेबसाइट फ्रॉड क्यों करेगी आपके साथ। इस वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ही बहुत सिंपल है कि आप ने बेसिकली ना मीडिएटर की तरह काम करते, किसी कंपनी को बंदे चाहिए तो बंदे इस पे आते, यहाँ से अप्लाई करते, तो काफी अच्छी वेबसाइट, आप यहाँ पे ट्राई करो, काफी सही पैसे कमा लोगे। आपको कोई भी दिक्कत आए ना, कोई भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि अंकित भाई ये दिक्कत आ रही है कैसे सॉल्व होगा बताओ, अंकित भाई ये दिक्कत आ रही है कैसे सॉल्व होगा बताओ, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, और आप लोग इसके काफी अच्छे ना पैसे कमाने लग जाओगे। और वापस से कह रहा हूँ, इसको कोई भी प्रॉब्लम है कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और 95% बंदों को प्रॉब्लम आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग मेल करोगे पर आपके मेल का रिप्लाई नहीं आएगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, एक दो बार मेल करो, तब भी रिप्लाई ना आए तो इनके ना कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे चले जाना, नीचे आपको मिल जाएगा, आराम से ढूंढना, क्योंकि हर वेबसाइट को ना नेसेसरी होता है कॉन्टेक्ट अस वाला पेज डालना। अभी तो मुझे मिल नहीं रहा है, अभी ध्यान से देखूंगा ना तो मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग इनके कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ढूंढ लेना, और यहाँ पे आप लोग ना मतलब देखो आते हो गेट इन टच वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे ना इनका मेल आ जाएगा, ठीक है। आप लोग फोन से करना है, यहाँ पे इनका डायरेक्ट मेल पे रिडायरेक्ट कर देंगे, तो वहां से आप लोग उनको मेल करना कि भाई हमने आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना, जो आपने मेल किया होगा इसका स्क्रीनशॉट डाल के बोलना, इंग्लिश में बोलना, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लेना, जैसे मैं आपको दिखा दो, बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो और टेंशन में रहते हैं, यहाँ पे हिंदी कर दो। देखो जैसे आपको यहाँ पे मेल करना कि क्या मेल करना, सर मैंने आपकी वेबसाइट पर अप्लाई किया था, पर आप लोगों की तरफ दिखाता हूँ तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो सर आई हैव अप्लाइड ऑन योर वेबसाइट बट नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम यू, तो ऐसे करके आप लोग मेल भेज देना, और जिनको इंग्लिश नहीं आती गूगल ट्रांसलेटर का यूज करना, आप लोग मेल भेजने लोग 100% आपको रिस्पॉन्स करेंगे, इसके बाद आप लोग पैसे कमाने लग जाओगे। और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।